Oddio, mamma mia, la sede della riserva di cui potete sapere उतना बगैर डाल रहे हैं, ये देख हाजी खड़े हैं कि हाजियों की बसें खड़ी हैं। माशाल्लाह देखो कितना वो है, किधर बसें खड़ी हैं सारी, अल्लाह के मेहमान हैं, अजीफ रहमान हैं। माशाल्लाह अल्लाह को खैर से ले आए, खैर से अपने बच्चों में ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये यहाँ और गाड़ी एक आ गई जी, आ गया थे यहाँ हॉस्पिटल में आए थे, दवाई ले ली तो भी जा रहा हूँ भाई को देखे बैठे। देखो मक्के की मदीने की ये कदीम वो है तस्वीर, मदीने की लगी है माशाल्लाह, देखो कैसे है, देख लो कुंभ से खिलाद जा रहा है सब कुछ, लाइट जलाई हुई है, ये हॉस्पिटल में लगा हुई है इसीलिए ये भी है। टूटू खान कैसे, खैरियत से ठीक, अभी हम शोधा पहुँचे माशाल्लाह, तो अभी ज़्यारत करते हैं तो सलाम करते हैं तो हाथ भी देते हैं, लोग भी देखो सारे माशाल्लाह हाथ भी दे रहे हैं अपने अपने के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला सबके गुनाह माफ़ करे, हम भी अपने लिए दुआ करेंगे, अपने प्यारों के लिए जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करेगा, शोदा का सदका हमारी गलतियां। चलो जी तो देखो हम ये पहाड़ के साथ आए हुए हैं, तो शोदा के साथ ये सामने पहाड़ है ना जबल रुमा, जहाँ ये आदमी बैठे हैं, कैसे नज़ारे हैं, जो बुध की खमीस की रात है ना, आपका वार है बुध का शोदा का, तो ये खमीस की रात को सब आ जाते हैं, सब दुनिया देखो ज़्यादातर सूदान के लोग ज़्यादा होते हैं, ये सही रात यहाँ बैठे रहेंगे, सुबह नमाज पढ़ के इधर से जाएंगे, तो हमारे लोग भी बहुत होते हैं, तो लंगर भी तकसीम लोग करते हैं, कोई जलेबियाँ ले आता है, कोई जूस ले आता है, जो जो किसी की बिरयानी ले आता है, कोई पानी बना के ले आता है, तो माशाल्लाह लंगर भी जारी होता है तो दुआएं भी जारी होती हैं, कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई नात कह रहा है, मुख्तलिफ मतलब है, लोग हैं अपने अपने, जहाँ जिसका दिल चाहता है जी चाहता है वही, हम गए तो हमारे साथ एक इंडियन था मेरे ख्याल, तो वो नात पढ़ रहा था ज़ोर ज़ोर की, तो ये मलाक भी आ गई हमारे साथ, हाँ क्या है मलाक, तो हम भी सलाम पढ़ने आए हैं, तो सलाम पढ़ते हैं फातिहा पढ़ते हैं, तो फिर यहाँ से चलते हैं, पैकेट लगवाना है और काम है आगे, फिर अपना दूध वगैरह लेंगे तो फिर इंशाल्लाह चले जाएंगे घर को, तो घर में बच्चे भी अकेले हैं, तो इंशाल्लाह जो आप भी खैरियत से होंगे हम भी खैरियत से, अल्लाह सबको तंदुरुस्त सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखा हम रात को घूम रहे हैं, रात को आपके लिए व्लॉग बना रहे हैं, तो आप भी कुछ प्यार दिखाएं, लाइक शेयर करना, हाँ कमेंट करना अच्छे अच्छे, ठीक है, जैसे हम अच्छी बातें करते हैं ना, अच्छी जगह पे रहते हैं तो जगह के मुनासिब से अच्छे कमेंट होने चाहिए, अच्छा प्यार होना चाहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे, जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे भाई हैं, जो बच्चे हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सबको मैं सलाम कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, जो ख़ास तौर पे इंडियन है ना वो ज़्यादा प्यार ही दिखाते हैं हर मुल्क से, तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा प्यार, लाइक शेयर भी इनके ज़्यादा आते हैं, कमेंट भी ज़्यादा आते हैं, अल्लाह सब को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आपको अल्लाह ताला चांस दे तो आ जाए, बलद रसूल देखें, शहदा की ज़्यारत करें, तो सुकून कल्ब मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, आँखों को ठंडक मिलती है, ज़हनी सकून भी हो जाता है, दिली सकून भी हो जाता है, तो इंसान को लगता है भी कैसे हमारे दीन पे खर्च हुआ था, कैसे हमारा दीन ऐसा नहीं आ गया, ऐसे दीन नहीं मिला, दीन बहुत तकलीफ़ों से मिला है, कुछ देने से कुछ मिलता है, सब कुछ बहुत कुछ दिया है दीन की राह पे, तो हम तो ऐसे बना बनाया मिल गया ना, जिसको घर बना मिल जाए उसको घर की कदर नहीं रहती,
जो घर बनाता है उसको पता होता है भी ये घर मैंने कैसे बनाया, कितने तकलीफ़ें उठाई, घर के बढ़ने में मुकम्मल होने में क्या क्या दुश्वारियाँ, क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या तकलीफ़ें उठाई मैंने। तो दीन भी ऐसे है, दीन भी जिसने सादात ने दीन के लिए खर्च किया है माशाल्लाह, तो आप देख लो। इसलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के फरमान है हजूर के उम्मत के लिए, हजूर के लिए भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा कदर करो, ज़्यादा पहचान करो कि दीन पे उनका खर्चा है। देखो सब गरीब है कोई अमीर है, सब के ऊपर ज़कात आप दे सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। लेकिन सादात पे ज़कात नहीं है, सादात कोई ज़ईफ़ी में है तो उसकी वैसे इमदाद कर सकते हो, तो हेल्प कर सकते हो इमदाद, लेकिन ज़कात का पैसा सादात पे हराम है। क्यों? क्योंकि सादात सखी है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है मेरे प्यारो। तो इसलिए अल्लाह आपको सलामत है, सादात की इज़्ज़त कदर किया करो, जहाँ भी हो, जहाँ जहाँ सुन रहे हो, जहाँ हो, सादात कुछ भी कहे ना तो उसकी बात माना करो, उनको तकलीफ़ उसके दिल को ना दिया करो, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचे तो उनके हर हुक्म माना करो, सादात का हर हुक्म माना करो। जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी बात है हमने उसको सुन्नत समझ लिया कि हमने करनी है, ठीक है। तो आगे भी इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्यार मोहब्बत दिखाओ। तो मेरी ज़ईफ़ुल उम्री को देख के कोई लाइक शेयर ज़्यादा किया करो, आपका तो कुछ नहीं जाता ना, आपका प्यार बढ़ता है, आप जितना ये करोगे आपका प्यार ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, जहाँ भी हो अल्लाह करे खुश रहो, तो खुशहाल रहो, आपके बच्चे भी खुशहाल हो, आप भी खुशहाल हो। तो ये जबल रूमा है जहाँ आपकी शहादत हुई थी सैयदना शहदा की, तो यहाँ से चलने लगे थे तो जबल हो ये साथ चल पड़ा था, मैंने आप को कई बार बताया है। तो हजूर सलम से देखा तो ये क्या, उसने बोला चाचा मदीने वाले कहाँ जाएंगे, आप वहीं रहो जबल अहद के साथ, तो क़यामत से पहले आपके साथ मदीना जुड़ा होगा, क्योंकि ये गैप था, बहुत खाली था, जंगल था। तो अभी देख लो जो हाजी आए हैं अल्लाह आपको भी ले आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी मदीना कहाँ ख़त्म है, कहाँ से इतना शोदा शुरू, पूरा मदीना हो गया, पूरा शहर मदीने का है। तो अल्लाह ताला आपको ले आए, आप आएँ प्यार मोहब्बत दिखाएँ, प्यार करें, आपकी आँखों की ठंडक है, दिल का सुकून है, राहत भी है, प्यारे के लिए दुआ मांगो, मन्नत मानो, तो अल्लाह आपकी सब कबूल करेगा। आप इंसान गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तलबगार है, हम भी अपने गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगते हैं, तलबगार है, जो जो भी है ना दुनिया में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब करेगा, तो मदीना मुनव्वरा की ज़ारत नसीब करेगा, तो बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आपको दिली तकवियत मिलती है, दिल दीन के बारे तकवियत लेता है, ताकतवर होता है, समझदार होता है। तो इंशाअल्लाह जो है ना अपना प्यार दिखाएं अपने बच्चों, छोटे देखो मैं ब्लॉग में दिखाता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में इहराम बांधे हुए हैं, यहाँ शोदा पे छोटे बच्चे साइकिल चला रहा है, कोई खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई रेडी में घूम रहा है, कोई माँ की गोद में है, कोई बाप के कंधे पे है। तो आज मैंने दिखाया था ना, आज साहब था इसी ब्लॉग में है अपना मस्जिद किबलतैन में, देखो कैसे वो बाप के साथ पेशावर से आए हुए थे माशाल्लाह, छोटा बच्चा था, अल्लाह ताला ने उसका नसीब, अल्लाह ताला ने रिस्क पानी इसका लिख दिया, तो वो यहाँ आ गया। तो कोई ऐसे हजरात हैं कई अरसे से बैठे हैं तो अल्लाह ताला से मंजूरी नहीं आ रही, ये नहीं अपने पास नहीं है, ये नहीं है कि पैसे वाले आ जाएँ तो गरीब नहीं आ सकते, नहीं नहीं, नसीब पे पैसे की बात नहीं, अल्लाह ताला सब जो है ना इंतज़ाम खुद कर देता है, जो इंतज़ाम होते हैं ना वो अल्लाह के हाथ में वो ही करता है, आपको पता नहीं भी रिज़्क़ कहाँ से आता है,
कहाँ से तुम्हारा रिस्क आएगा तुम्हें पता है? नहीं पता। तो कहाँ आपने जाके खाना है कोई पता नहीं। तो इसलिए ये भी यहाँ आने का ये नसीब है, अल्लाह आपको इंशाल्लाह ले आएगा। अल्लाह ताला के आगे मेरी इल्तिजा है, दुआ है सब बहनों भाइयों बेटियों बच्चों के लिए, आपको अल्लाह ताला यहाँ ले आए मदीने पाक। जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो अपने अपने महजब पे हर कोई खुश रहे, जहाँ कोई है अल्लाह ताला उनको हर अपनी इसमें आबाद रखे। किसी पे कोई बात ना हम करते हैं ना हमारे ऊपर कोई करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक ये अल्लाह की पैदावार है। तो अल्लाह सब पे रहमत करे, सब के दुख सुख के हम जो हमारे करीबी हैं जो हमारे बस में रहता है हम इंशाल्लाह उसमें शरीक होते हैं। तो अल्लाह आपको सलामत रखे, तो अल्लाह आपके यहाँ जोड़िए सलामत रखे, आपके बच्चों की उम्र दराज फरमाए, तो आपको नमाज रोज़े की अल्लाह ताला हिदायत दे। फरीजा ये नमाज अल्लाह ताला का नमाज जो है ना फ़र्ज़ है। हम जब कब्र में जाएंगे पहला सवाल यही होगा नमाज का, बाकी सवाल बाद में पूछे जाएंगे। नमाज का पूछा जाएगा, फिर हक़ुल इबादा का पूछा जाएगा। हाँ इसलिए कह रहे हैं सिद्दीकीन सालेहीन साल, हाँ तो शहदा के लिए भी यही है, अल्लाह ताला शहदा की जमात से उठाए। तो एक्सीडेंट होता है किसी का कोई याद जल जाता है तो वो में अल्लाह की मर्ज़ी है। कोई कहता है अल्लाह ताला कहता है जलने वाला भी शहीद है, क्योंकि उसको पता नहीं ना कि मेरी मौत है। जो गैबाना मौत है वो शहादत की मौत है। हाँ जो कहता है लड़ाई में झगड़े में तो उसकी जान चली जाती है तो वो शहादत नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ा कर रहा हूँ। अभी खाना खाते थक गए, शोधा पे गए थे, शोधा से फिर हमारा पैकेज ख़त्म हो गया था, उधर गए तो वो आदमी नहीं मिल रहा था, क्योंकि जिनको काम पे जाते हैं फिर कहते हैं भी जल्दी सो जाते। फिर बगाले वाले बोला, उसने फ़ोन किया, फिर नहीं आया। मैंने बोला दोबारा फ़ोन करो, उसने दोबारा फ़ोन किया, फिर उसने कहा तो फिर कितना देर फिर आ गया, फिर नेटवर्क नहीं था। जब लगाता रहा आधा घंटा हमें लग गया तो लगाते लगाते, तो बाद में जाके लगा तो अभी हम खा रहे हैं, प्याज भी बहुत लगी थी, दूध लिया उधर से, फिर अभी आके खाना खा रहे हैं। तो शुक्र है खुदा का। तो यहाँ कहते हैं एंड अल्लाह फिर लाइक करना शेयर करना अच्छा लगे। गाड़ी में बैठे थे गर्मी बहुत गर्मी, इनको पेप्सी भी पिलानी पड़ी मुझे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जरूर करना हमारी तकलीफ को भी देखना, रातों को जाते पैकेज लगवाने के लिए। चलो।